आज हम बना रहे हैं आम का श्रीखंड, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बढ़िया लगता है। गर्मियों में एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दही लिया है आधा किलो। आधा किलो दूध से हमने बनाकर तैयार किया था इस दही को। घर में ही बना हुआ दही है और फ्रेश दही होना चाहिए, खट्टा दही नहीं होना चाहिए। एक चलनी पर मैंने कपड़ा बिछा है, कॉटन का कपड़ा है, उसमें दही को डाल देते हैं इस तरीके से। और इसे हम 5 से 6 घंटे के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। उसके बाद इस पर वजन रख देंगे। जब इसका पानी निचड़ जाएगा तो इस दही को हमें कम से कम 12 घंटे रखना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो तकरीबन 6 से 7 घंटे बाद भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 8 घंटे बाद मैंने इसे लिया है और इसका पानी इससे अलग हो चुका है, इसे साइड में रख दिया। और एक आम लिया है, आप जितने आम डालना चाहते हैं उसके अनुसार डाल सकते हैं। आधा किलो दही में 150 से 200 ग्राम दही निकलता है, हमारा जो हंकड़ है। तो इसको कट कर लेते हैं। तो आम को कट करने के बाद मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। तो इस तरीके से हम आम को कट कर ले रहे हैं। बहुत ही बढ़िया जो हमारा ये आम का श्रीखंड है बनकर तैयार होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बढ़िया लगता है। तो मिक्सी के जार में मैंने आम को डाल लिया, इसे पीस लेते हैं। पीसने के बाद इसे हम साइड में रख देते हैं। जो हंकड़ लिया था हमने उसे ले लेंगे, इसे एक बड़े से बाउल में डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से फेंटना है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसमें साइड लम्स जो है ख़त्म हो जाएं। आप चाहें तो इसमें 2 से 3 चम्मच फ्रेश क्रीम या घर की मलाई भी डाल सकते हैं, जिससे ये और भी ज़्यादा क्रीमी बन जाता है। लेकिन इस तरीके से भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बढ़िया बनकर तैयार होता है, एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने 3 बड़े चम्मच चीनी डाली और थोड़ा सा केसर का दूध डाल दिया है इसमें, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। 2 इलायची को कूट कर मैंने डाल लिया है, फ्रेश इलायची को कूट कर डाला, जो हमने आम का पल्प रखा था पीस कर उसे डालेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे और जो हमारा श्रीखंड है बनकर तैयार हो चुका है। इस तरीके से श्रीखंड को बनाकर आप गर्मा गर्म पूरी के साथ खा सकते हैं या फिर ठंडा ठंडा सर्व कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इसे मिट्टी के बर्तन में सर्व करते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है मिट्टी के बर्तन में, आप एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। इसे थोड़ा सा गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे। इस तरीके से बना हुआ ये श्रीखंड बहुत ज़्यादा टेस्टी और बढ़िया लगता है। महाराष्ट्र में इस तरीके से बाज़ार में तैयार मिलता है, आप घर में ही इस तरीके से बहुत ही बढ़िया और टेस्टी श्रीखंड को बनाकर तैयार कर सकते हैं। एक बार ज़रूर बनाइएगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।